रामनगरी अयोध्या पहुंचे गोरखपुर सांसद व बॉलीवुड अभिनेता ने कहा कि उन्हें भगवान राम के भाई भरत का रोल निभाकर प्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है। सांसद ने कहा कि भगवान की सेवा का अवसर पाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बलिया हत्याकांड को लेकर भी गोरखपुर सांसद ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शासन पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर बेवजह हवा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां विवादों का राजनीतिकरण करने में जुटी हैं। रामलीला के चौथे दिन बॉलीवुड अभिनेता व गोरखपुर सांसद रवि किशन भगवान राम के भाई भरत की भूमिका में दिखेंगे। इस रोल को निभाना बीजेपी सांसद भगवान की सेवा मान रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में उन्हें रामनगरी में रामलीला मंचन का अवसर प्राप्त हुआ है, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी पूरे देश की जनता जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है, जय श्री राम। आज प्रभु राम की सेवा में, रामलला की सेवा में मैं आया हूँ भरत जी के रूप में, और यहाँ पे मुझे जीते जी ये सौभाग्य मिला कि प्रभु राम की यहाँ मंदिर 500 साल बाद दोबारा पुनः उनको स्थापित किया जा रहा है, और उसी में हम आके यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। और आज भरत की भूमिका में हम अपने प्रभु राम की, अपने बड़े भाई की, अपने भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा भी करेंगे। और आप लोगों को मैं एकदम साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, पूज्य योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुखिया, यहाँ अगर कोई भी नेता, सांसद, विधायक, पार्षद, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गलत कदम कानून हाथ में लेता है, उस पर सख्त से सख्त भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। और खासकर योगी महाराज जी के उत्तर प्रदेश में कोई भी बसता नहीं है, वो अपना हो या पराया हो, जो भी है, किसी ने भी कानून हाथ में लिया उसको सख्त से सख्त उस पर कानूनन कार्रवाई होगी, संगठन की कार्रवाई होगी। ये बात आप लोग भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भी जानता है।